स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं इटर्नल समर नाम की एक फिल्म को, जिसके लिए मुझे किसने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और इस फिल्म को फिर मैंने देखा और मुझे फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें एक अलग तरह की कहानी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे एक लड़का है, एक लड़की है और एक और लड़का है, मतलब दो लड़के हैं और एक लड़की है, और उनके बीच कैसा लव ट्रायंगल चलता है। बट ये नॉर्मल लव ट्रायंगल नहीं है कि एक लड़की है और दो लड़के हैं और दोनों लड़के उस लड़की से प्यार करते, नहीं, कुछ अलग है। मैं अभी नहीं बताऊँगा, देखो कहानी को, कभी नहीं देखी होगी तुम लोगों ने ऐसी कहानी। ओके, तो कहानी स्कूल में शुरू होती है। ये शेन होता है, 11 से 12 साल इसकी उम्र है, बहुत शैतान है, पढ़ना इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, रोज डांट खाता है, इसका कोई दोस्त भी नहीं है, घर वालों का भी जीना हराम कर रखा होता है। इसकी मम परेशान होकर टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को सुधार दो। तो क्लास टीचर, उसी क्लास के एक लड़के जिसका नाम कांग होता है, इसका इंग्लिश नाम वैसे जोनाथन है तो हम इसको जोनाथन कह के बुलाएंगे, इसे कहती है कि तुम पढ़ने में टॉपर हो, इसलिए शेन की हेल्प करो, उसे सुधार दो तुम। जोनाथन करना तो नहीं चाहता, उसको दोस्ती करना पसंद नहीं है उस शेन के साथ, जो कि शैतान है, पर कर लेता है जाकर, उसको पढ़ाने लगता है और लड़ाई करने से भी रोकता है। दिन बीतने के साथ साथ शेन अब अच्छा पढ़ने लग गया होता है, पर जोनाथन वीक हो गया होता है, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। लेकिन अब इनकी दोस्ती भी टाइम के साथ साथ गहरी होने लग गई होती है, और ऐसे ही बीत जाते कुछ साल और अब दोनों बड़े होकर अपने 17 में आ गए होते। ये वो टाइम होता है जब प्यार की फुलझड़ियाँ फूट रही होती है दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, पता नहीं कौन कौन से हिस्से में बॉडी के, है ना। अब दोनों बड़े हुए, शेन बास्केटबॉल प्लेयर बन गया होता है, पूरे दिन वही खेलता रहता है और जोनाथन हमेशा उसको आकर सपोर्ट करता है, उसको देखने आता है, दोस्ती गहरी हो गई होती है। इन्हीं के स्कूल में एक चिया नाम की लड़की भी पढ़ती है जो शैतान होती है, बदतमीज भी होती है, इसलिए प्रिंसिपल आज पूरे स्कूल के सामने उसके बाल काट रहे होते हैं कि थोड़ी जलील होगी तो इसको अकल आ जाएगी, पर चिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत बड़ी ढीठ होती है। जोनाथन चिया का दोस्त है, इसके बाल को सही कर रहा होता काट वाट के। चिया कहती है कि क्या हम कल घूमने चलें, और ये मान जाता है और अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं पूरी सिटी में, मतलब वो सब कुछ करते हैं घूम कर जो दो बेस्ट फ्रेंड किया करते। अब ये आने में लेट हो गए अपनी सिटी, तो उनको वहीं पर एक होटल लेना पड़ता है, और रात होते ही दोनों के अंदर की फीलिंग्स बाहर आने लग जाती है। चिया इसे फोर्स करती है प्यार मोहब्बत करने के लिए रात को, लेकिन जोनाथन घबराया हुआ है क्योंकि उसका ही पहली बार होता है, पर माहौल ऐसा था कि ना चाहते हुए भी दो लोग करीब आ ही जाएंगे, ये खुद को रोक नहीं पाता और दोनों शुरू हो जाते हैं। पर जैसे ही काम मेन काम की तरफ बढ़ता है ना, जोनाथन डर के उठ के बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है, पूरी रात डोर नहीं खोलता हुआ। चिया जो बेचैन है, परेशान है, टेंशन में है कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे यहाँ पर लाकर उसने क्यों छोड़ दिया, मतलब इस कंडीशन में, है ना। अगले दिन दोनों वापस जाने लग गए होते हैं। अब लास्ट नाइट जो भी हुआ, जो कि नहीं हुआ, जो हुआ मतलब जो नहीं हुआ इनके बीच, उसकी वजह से दोनों में बातें नहीं हो रही होती है। अब चिया जोनाथन पर नजर रखने लग गई होती है। जोनाथन जो बुक पढ़ता है ना, ये जाकर उसको चेक भी करती है कि कैसी किताबें पढ़ता है ये। खैर, छुट्टी में जाते हुए चिया दोनों दोस्तों को घूर रही होती है, फिर आगे निकल जाती है। शेन, जो कि चिया को नहीं जानता है, वो सोचता कि कैसी बदतमीज लड़की है, मुझे आंख दिखा के ओवरटेक कर रही है साइकिल से, अभी बताता हूँ तुझे, और फिर जाकर उसको ओवरटेक करता है। फिर ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर एक क्लियर होता है, यानी शेन को, कि जोनाथन और चिया दोनों दोस्त है और वो अपने दोस्त को देख रही थी। शेन एक बहुत ही फनी और फ्रेंडली टाइप का और खुल के रहने वाला कैरेक्टर होता है, मजाक भी करता है। चिया भड़क जाती है, उठ के चली जाती है यहाँ से। शाम को शेन जोनाथन को घर लाता है। शेन की मॉम जोनाथन को बहुत पसंद करती हैं क्योंकि इसने इनके बेटे को पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि लड़ाई झगड़ा ना करे और आज वो कुछ कर पा रहा है, क्योंकि इन्होंने तो बोला था कि प्लीज़ किसी लड़के से बोल के, टीचर से, कैसे भी करके मेरे बेटे को सुधार दो। और सबसे मेन बात तो ये होती है कि जोनाथन शेन को पढ़ाने के लिए उसके घर पर रात रात को आया करता है और रात को यहीं पर रुका भी करता है। अगले दिन चिया जोनाथन से मिलती है, कहती है तुम गे हो ना, मैं जानती हूँ, और तुम्हें अपना फ्रेंड शेन ही पसंद है, तुम उससे प्यार करते हो। अब ये काफ़ी शॉकिंग होता है। अगले दिन चिया जोनाथन दोनों शेन का गेम देखने आए होते हैं और उसको देखकर हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। शेन दोनों को देख समझ जाता है कि मेरी बातें करके हंस रहे हैं मुझ पर, तो गेम से ध्यान हटता है और उसको चोट लग जाती है। जोनाथन उसको क्लिनिक में लाकर इसका इलाज करता है। शेन कहता है कि तुम उस लड़की से मेरी क्या बातें कर रहे थे, बताओ मुझे। पर ये कहता नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। तो शेन गुस्सा हो जाता है कि अब झूठ भी बोलने लग गया। और अगले दिन शेन की टीम दूसरी जगह मैच खेलने जा रही होती है, दूसरे कॉलेज में। जोनाथन हमेशा इसके साथ ही जाया करता था चेयर करने के लिए, पर वो आज नहीं आया है। शेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता इस वजह से। चिया भी, जो कि जोनाथन को खोजते हुए यहाँ पर आई होती है, लेकिन उसको वो तो नहीं मिलता, तो ये
शेन को ही चेयर करने लग जाती है। शेन को लगा कि वाह, मेरे लिए यहाँ पर आई है ये, मुझे सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैच के बाद इसे थैंक यू कहने के लिए जाता है। तो ये इसे भागने लग जाती है, तो ये इसको गाली देने लग जाता है। चिया रोने लगती है और कहती है कि सॉरी सॉरी, मैं तुमसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकती, मेरा ब्रेकअप हुआ है ना, तो मुझे वैसे वाला सपोर्ट चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। और शेन इसकी रोती हुई शक्ल को देखता है, इसकी बातों को सुनता है और सपोर्ट देता है, भाई फिजिकल वाला मतलब कुछ भी, दोनों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। खैर, काम होने के बाद शेन कहता है कि जोनाथन से क्या रिश्ता है तुम्हारा, ये कहती है दोस्त है वो तो बस मेरा। तो शेन को अब एक बार करने के बाद ना इसको इससे प्यार व्यार हो गया होता है, तो कहता है गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। जिया कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में अगर टॉप करोगे मतलब पास हो जाओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी मैं। शेन अच्छे से जानता है कि एंट्रेंस कभी क्लियर कर ही नहीं सकता, इसके बस की ही नहीं है, है ना, ये साफ बोल देता है कि तुम मना कर रही हो। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते, एग्जाम भी हो गया होता है और एंट्रेंस का जब रिजल्ट आता है बहुत शॉकिंग होता है, शेन पास हो गया होता है, मिरेकल है। इससे भी बड़ा मिरेकल ये होता है कि जोनाथन, जो कि पढ़ने में टॉपर हुआ करता था किसी टाइम पर, वो फेल हो गया होता है। अब जोनाथन को घर पे बहुत डांट पड़ती है, चिया भी इससे बात नहीं करती है और जिससे प्यार करता है उससे भी इजहार नहीं कर पा रहा है, तो बेचारा डिप्रेशन में जाने लग गया होता है। पर शेन इसे रोकता है, मोटिवेट करता है, कहता है पहले की तरह रहो मेरे साथ, मैच देखने चला करो मेरे साथ, मूड अच्छा रहेगा तुम्हारा, मस्ती करेंगे हम। मैंने बताया ना कि शेन किसी चीज़ से इसको फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब खुश रहता है ना, ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है ये। पर जोनाथन तो फिर से एग्ज़ाम देने की तैयारी में लग गया होता है, पढ़ाई करता है, लेकिन इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। और जब पढ़ने बैठता है तो शेन इसको बुला लेता है कॉल करके, इसलिए जोनाथन अब शेन से भी थोड़ा परेशान होने लग गया है कि यार मुझे बुला लेता वो। एक रात बहुत तेज भूकंप आता है, दोनों सेफ है। और इसी दौरान अब शेन और चिया का रिलेशनशिप भी चलने लग गया होता है, जैसे कि हमें पता ही है, लेकिन जोनाथन को इन्होंने नहीं बताया कि ऐसा कुछ है, है ना। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, चिया का कहना है कि जोनाथन को बता देना चाहिए हमारे बारे में। शेन कहता है कि अरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जाने दो, बाद में बता देंगे। पर जोनाथन इतना बेवकूफ़ नहीं है, दोनों की हरकतें देखकर ये पूछ ही बैठता है एक दिन कि चिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। शेन कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है। अब ये सुनकर जोनाथन भागने लग जाता है, उसके लिए ऐसा है ना कि मेरे बचपन के प्यार ने मुझे चीट किया, मतलब तुम किसी के साथ बचपन से हो और उसने सडनली मतलब किसी और के साथ ऐसा कर लिया, तो तुम्हें ऐसे फीलिंग आएगी ना कि उसने मुझे चीट किया। लेकिन वहाँ पर उसने चीट वीट नहीं किया, वो तो लड़का है और ये भी लड़का है, तो उसने एक लड़की के साथ रिश्ता बनाया ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो लड़की है और किसी लड़के के साथ बना रही है जो कि जोनाथन को बुरा लग जाए, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जस्ट वन साइडेड होता है, जो कि खाली जोनाथन की तरफ से है, उसमें शेन का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। बट इसके अंदर गुस्सा और ये सारी चीज़ें भरी जा रही होती है जोनाथन के अंदर। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और अब शेन जोनाथन को पहले जैसा करना चाहता है, इसको पार्टीज में लाता है, मस्ती कराता है, चिया भी आई होती है, जिसे देखकर जोनाथन ऐसे भागने लगता है। शेन परेशान होकर पूछता है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों कर रहे हो ये सब। जोनाथन कहता है ना कि तुम्हें लड़की मिल गई है ना, तो रहो उसके साथ। शेन कहता है कि हाँ, तो इसमें बुरा क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। जोनाथन कहता है कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, क्लास टीचर ने जबरदस्ती दोस्ती करवाई थी, मैं तो तुमसे दोस्ती करना भी नहीं चाहता था, अभी दोस्ती तोड़ता हूँ मैं तुम्हारी, दोस्ती तोड़ के चला जाता। शेन तो सब पागल सा हो जाता है कि बचपन का दोस्त, एक इकलौता दोस्त है उसका, वो दोस्ती तोड़ के क्यों जा रहा है। अब आप सोचोगे कि वो उसकी तरफ इतना वो क्यों हो रहा है कि दोस्त है, ठीक है दोस्ती को चला गया, पर ये हमें एंड में पता चलता है कि वो भी इससे क्यों इतनी गहरी दोस्ती रखना चाहता है। ये ना मतलब पगला सा जाता है और जाते हुए रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस आती है, चेक होता है तो भाई साहब ने ड्रिंक कर रखी थी, दारू भी चला रहे थे, तो पुलिस उठा के ले जाती है। पर जल्दी जोनाथन आकर इसको पुलिस से बचाता है और फिर इसको घर लेकर जा रहा होता है। और यहाँ से पूरा सीन ही चेंज हो जाता है, मतलब जिस तरीके से शेन बाइक पर जोनाथन से चिपक कर बैठता है, उसको टच करता है, अपने फेस को उसके ऊपर लगाता है और फिर घर पर लाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और दोनों यहाँ पर फिजिकल होते हैं, और शेन करता है और जोनाथन जो है उसको भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी खुश है, बहुत खुश है, है ना। देखो शेन ये करके खुश नहीं है क्योंकि वो ये नहीं है, उसके अंदर वैसी फीलिंग्स नहीं है, बट वो अपने दोस्त की खुशी के लिए ही चाहता है, वो उसको पता है कि मेरा दोस्त मुझसे क्या चाहता है, तो दोस्त का दोस्त उसे चाहता है वो उसको दे रहा है। ओके, अब चिया ने ना शेन को सब कुछ बता दिया होता है कि तुम्हारा दोस्त जोनाथन ऐसा 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 है, ठीक है। सुबह जोनाथन चिया को कॉल करके रात को क्या हुआ सब बताता है और कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम शेन को छोड़कर नहीं जाओगी जानने के बाद कि उसने मेरे साथ त्याग किया है। चिया भी शेन के घर आती है और जोनाथन जा चुका होता है। चिया शेन से कहती है कि कल रात को मुझे सब पता चल चुका है क्या हुआ था, मुझे तुम दोनों दोस्तों के बीच में आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं सब कैसे हो गया। शेन इसको बताता है कि बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था, अकेले रहता था, फिर जोनाथन आया मेरी जिंदगी में,
और तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूं मैं, किसी एक के साथ नहीं, दोनों रहो मेरे साथ, मैं नहीं छोड़ सकता किसी को। मुझे क्या करना चाहिए बताओ यार, ऐसे कुछ दिन बीत जाते तीनों एक दूसरे से मिलते नहीं है। और एक रात शेन किसी की कार लेकर आता है और इन दोनों को बुलाता है और रात भर ड्राइव करके सुबह तक इनको बीच पर लेकर जाता है। बाहर बैठा हुआ है, तीनों कुछ बोल नहीं रहे, बातें नहीं हो रही है इनके अंदर। शेन बाहर है, चिया भी इसके पास उठ के जाती है, जोनाथन वही कार में बैठा हुआ है। शेन कहता है कि मुझे तुम दोनों चाहिए, लेकिन अगर एक को चुनना पड़ा तो मैं जोनाथन को चुनूंगा। चिया कुछ कहती नहीं है। इतने में जोनाथन चिल्लाता है, मैं गे हूं तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूं, तुम दोनों खुश रहो भाई, जो करना करो। इतने में दोनों लड़ने लग जाते हैं दोस्त, और चिया रोकती है इनको और कहती है कि तुम्हें साथ में रहना चाहिए। जोनाथन शेन से सॉरी बोल के जाने लगता है। इतने में शेन इसको रोकता है और कहता है मेरा भी एक सीक्रेट है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे बचपन में, टीचर ने कहा था तो करनी पड़ी, पर तुमने दोस्ती में कोई कमी नहीं होने दी, इसलिए मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। मुझे एक बीमारी थी इसलिए मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था, डॉक्टर का कहना था कि मुझे दोस्त बनाने की ज़रूरत है तभी मैं ठीक हो सकता हूँ, फिर तुम मिले मुझे और अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। जोनाथन सब समझ गया होता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि चिया के साथ ही रहो तुम, मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो फिल्म है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, तो इसकी जो एंडिंग थी ना, वो एंडिंग कुछ ज़्यादा ऐसी वो नहीं है कि एक छोड़ के चला गया एक रह गया ना, वो तीनों एक साथ ही है और वो तीनों साथ आगे भी वो सब करें जो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था ना, देखो मैं बताता हूँ, जो जोनाथन था ना बचपन में, वो उसके साथ रहता था और धीरे 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 धीरे, मतलब वो भी अकेला ही था देखा जाए तो, उसके अंदर फीलिंग्स आ गई थी, ठीक है, और वो अपने फ्रेंड से प्यार व्यार करने लग गया था। और जब उसको पता चला कि मेरे दोस्त ने ऐसे लड़की, मतलब ऐसे दोस्ती कर लिया रिलेशन में आ गया, तो उसको ऐसा लगा वो धोखा दे दिया इसने मेरे होते हुए किसी और से। बट नहीं, शेन की कोई गलती नहीं थी, 1% 0% भी नहीं थे, कुछ नहीं था, उसको क्या पता उसका दोस्त क्या है और वो उसका दोस्त उसी के लिए फील करता है। वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था ना, उसकी लाइफ में एक लड़की आई, खुश है, चलो भाई मजे मारो और क्या। शेन ने फिर ऐसी कोशिश की कि अपने फ्रेंड जोनाथन को भी खुश रखे, जोनाथन को जो चाहिए वो उसको देना चाहता था, ठीक है, तो उसने उसके लिए सब कुछ किया, हालांकि उसका कुछ भी ऐसा अंदर से कोई वो फीलिंग वीलिंग नहीं थी भाई, मतलब करने के उसके साथ, बट जो था यही था। और ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी, इसका नाम है इटर्नल समर और ये एक साथ ताइवानीज मूवी है। हाँ, वीडियो चलो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।